हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पटेल डिजिटल ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हर किसी के मोबाइल पे फिंगरप्रिंट्स जरूर होता होगा। किसी के पीछे होता है तो किसी के राइट साइड होता है, तो किसी के लेफ्ट साइड होता है, तो किसी किसी के यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स होता है। लेकिन सिंपली आपको फिंगरप्रिंट्स का सिर्फ एक ही चीज पता है कि यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल को ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपके फिंगरप्रिंट्स लॉक पे कुछ ऐसी जबरदस्त चीजें छिपी हुई हैं जो आप आज तक नहीं जानते। मोबाइल तो यूज करते हो, लेकिन आप मोबाइल पे अलावा और भी फिंगरप्रिंट्स से बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो आपको नहीं पता है। अगर आप फिंगरप्रिंट्स का खुफिया राज जानना चाहते हो कि मेरे फिंगरप्रिंट्स में क्या खुफिया राज छिपा हुआ है, तो मेरे साथ इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहो। तो चलिए दोस्तों, तो मैं वीडियो कर लेता हूँ स्टार्ट। मेरा नाम है सुनील पटेल और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल पटेल डिजिटल ट्रिक्स। क्या दोस्तों, आपको पता है कि फिंगरप्रिंट से हम क्या और क्या क्या चीजें कर? जैसे यहाँ पे मैं दो बार जल्दी टाइप करूंगा तो मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट जल जाती है। जैसे फिर मैं दो बार यानी टाइप करूंगा तो मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट जल गई। जैसे मैं दोबारा फिर दो बार टाइप करूं जल्दी जल्दी तो मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट बंद हो जाती है। आप इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट से। दोस्तों, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन भी ओपन करना चाहते हो तो आप कोई भी एप्लीकेशन भी अपने फिंगरप्रिंट से ओपन कर सकते हो। अगर दोस्तों, मैं कोई एप्लीकेशन भी ओपन करना चाहता हूँ, जैसे मैं YouTube ओपन करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी यानी टाइप करूंगा, जल्दी तो यहाँ पे दो बार जल्दी मैं फिंगरप्रिंट्स में टाइप किया तो मेरा यहाँ पे YouTube ओपन हो गया। आप इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट तरीके से नहीं ओपन कर सकते हो। तो अगर आप ये खुफिया ट्रिक जानना चाहते हो, सिंपली आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इस एप्लीकेशन के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फिंगरप्रिंट्स पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। कैसे? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या करना। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको क्या करना, आपको शुरू से मैं बैक कर देता हूं इस एप्लीकेशन को। इस एप्लीकेशन को बैक करने के बाद सिंपली आपको यहां पे आपका डिसेबल्ड होगा, ये आपका डिसेबल हो, सिंपली आपको यहाँ पे इसको इनेबल कर देना। जैसे आप इसको इनेबल करोगे, इनेबल करने के बाद तो आपको यहाँ पे दे रखा कि एक बार टाइप करोगे तो मेरी फ्लैश लाइट जल जाए या कोई भी एप्लीकेशन ओपन हो जाए, या डबल बार चलना करना चाहते हो सिंपली यहाँ पे मैं डबल बार करता हूँ क्लिक। डबल बार में क्लिक करने के बाद सिंपली आपको क्या करना, आपको यहाँ पे नीचे आना। आप ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हो अपने यानी फिंगरप्रिंट से मोबाइल से बैक हो सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर रखे हो तो फिंगरप्रिंट से अपने बैक हो सकते हो, या होम पे जा सकते हो, या रिसेंट ऐप में जा सकते हो सिंपली। तो मैं यहाँ पे दोस्तों मैं जो अभी यानी बता रखा हूँ, यहाँ बहुत सारी चीजें दे रखी है। यहाँ पे तो मैं टार्च जलाता था कि मैं जैसे यहाँ पे टाइप करता था, जैसे मैं टार्च में क्लिक कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता तो मेरे मोबाइल की टार्च जल जाती। दो बार टाइप करता हूँ तो मेरे मोबाइल की टार्च बंद हो जाती है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हो सिंपली आप यहाँ पे ऐप में क्लिक करना। ऐप में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपके सारे एप्लीकेशन मोबाइल के लोडिंग हो गए। आप जिस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो सिंपली आपको वो एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। जैसे मैं दोस्तों मैं अपने मोबाइल को टाटा स्काई को ओपन करना चाहते सिंपली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे दोस्तों मैं अपने फिंगरप्रिंट्स में टाइप करूंगा दो बार तो मैं टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे दो बार टाइप किया तो मेरा यहाँ पे अब सॉरी यहाँ पे ये एप्लीकेशन काम नहीं किया, सारी परमिशन न दी हो। आप इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन को यानी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन पर सेलेक्ट करना है। अब जिस एप्लीकेशन को फिंगरप्रिंट्स के थ्रू ओपन करना चाहते हो आप उस एप्लीकेशन को यहाँ पे यानी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप इसे बहुत सारी चीजें कर सकते हो कि अपने यानी स्क्रीन शॉट ले सकते हो फिंगरप्रिंट से, ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल रूट होगा तभी आप यानी फिंगरप्रिंट्स ले सकते हो, स्क्रीन शॉट यानी फिंगरप्रिंट से स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो इसलिए आपको रूट करने की जरूरत नहीं, आप इन एप्लीकेशन को फ्री पे ही यानी यूज लो। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो यहाँ पे फिंगर पिन से। जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और इस एप्लीकेशन को आप यूज करो, तभी आपको पसंद आएगा कि हम और क्या क्या चीजें फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं फिंगरप्रिंट से। दोस्तों, अगर आपको फिंगरप्रिंट्स की खुफिया ट्रिक पसंद आई हो तो कमेंट में नाइस फिंगरप्रिंट्स जरूर लिखना। थैंक यू दोस्तों, तुम्हारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका।